गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर इन कार्डियोलॉजी एट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जी एस पी एम मेडिकल कॉलेज कानपुर टुडे इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट सीरीज़ टू एजुकेट जनरल पब्लिक अबाउट हार्ट डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन आई विल लाइक टू डिस्कस सम पॉइंट्स रिगार्डिंग चेस्ट पेन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक या जिसको कि कामन लैंग्वेज में हृदयाघात कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो यूजली चेस्ट पेन करके होता है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का चेस्ट पेन जो है वो दिल की बीमारियों से रिलेटेड है और किस तरीके का चेस्ट पेन जो है वो दिल की बीमारियों से रिलेटेड नहीं है मैंने अपनी कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ओ में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरे लिए चेस्ट पेन है मेरे लिए सीने में दर्द हो रहा है दो दिन से हो रहा है किसी को तीन दिन से हो रहा है और जब उनकी हम क्लिनिकल हिस्ट्री एवेल्यूट करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में इट कम्स टू बी नॉन कार्डियक मतलब ये हार्ट की डिजीज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है एक जनरल पब्लिक में फियर फैला हुआ है हार्ट अटैक के प्रति कि अगर किसी भी तरीके का चेस्ट पेन उनको महसूस होता है तो उनको सबसे पहले अपने दिमाग में यही आती क्योंकि हर आदमी जो है डिजीज से हार्ट अटैक से या फिर हम कहें कि मौत से जो है हर व्यक्ति डरता है तो हार्ट अटैक का ध्यान आते ही उसके अंदर एक फियर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है और किसी भी तरीके के चेस्ट पेन को वो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से कोरिलेट करके जो है तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करता है जिससे कि ना कार्डियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल्स की ऊर्जा जो है बेस्ट होती है बल्कि उस पेशेंट का भी कीमती समय जो कि वो किसी अन्य कार्यों में लगा सकता है वो भी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने में व्यतीत होता रहता है तो आज मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आप सब लोगों से इस चीज़ का डिस्कशन करूं कि अगर किसी के लिए चेस्ट पेन फील होता है सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो एटलीस्ट वो इतना जागरूक हो कि वो इतना डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये चेस्ट पेन दिल की बीमारी की वजह से है या फिर ये चेस्ट पेन जो है दिल की बीमारियों की वजह से नहीं है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए हृदय के डॉक्टर से मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट डिजीज़ का पेन होता है वो मेनली दो तरीके से होता है या तो अक्यूट हार्ट अटैक्स होते हैं जिसमें कि पेन होता है पेशेंट के लिए और या फिर दूसरा जो है एंजाइनल पेन्स होते हैं कि दिल की धमनियों में रुकावट है लेकिन 100 परसेंट जो है वो अभी ब्लॉकेज नहीं हुआ है जिसकी वजह से अगर मरीज जो है या व्यक्ति जो है बैठा हुआ है आराम कर रहा है तब तो उसके दिल पे कमजोर पड़ रहा है उसके शरीर को कम ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है और उसको कोई भी दर्द जो है वो महसूस नहीं होता है लेकिन अगर यही व्यक्ति जब चलना फिरना शुरू करता है बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट की डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है तो जो ब्लॉक्ड आर्टरी है कि 60 परसेंट ब्लॉक है 70 परसेंट ब्लॉक है या फिर 80 परसेंट ब्लॉक है तो वो उतना बॉडी को सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं बिकॉज आप ब्लॉकेज और एक डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है वो क्रिएट हो जाता है कि बॉडी की डिमांड ज़्यादा है और बॉडी को ब्लड की सप्लाई जो है वो कम मिल पा रही है और कम सप्लाई मिलने की वजह से जो है हार्ट की मसल्स जो है एनॉक्सिक फेज में चले जाती हैं कि कम ऑक्सीजन की वजह से फिर उसमें लैक्टिक एसिडोसिस का क्रिएशन होता है और हार्ट मसल्स जो है जो न्यूरॉन्स हैं नर्व्स हैं उनके थ्रू सेंसेशन आता है चेस्ट पेन का जिसको कि हम कॉमन भाषा में एंजाइनल पेन्स भी कहते हैं तो मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा जो हार्ट का पेन होता है जिसकी हम बात करें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की जो एंजाइनल पेंस होते हैं वो यूजली रिट्रो स्टर्नम होते हैं मतलब चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्टर्नम वाला ये पार्ट है बीच की जो ये हड्डी है यहां पर जो है चेस्ट पेन फील होगा पेशेंट के लिए और किसी एक पॉइंट पे पेन फील नहीं होगा कि आप जो है उसको अपनी फिंगर से या उंगली से लोकलाइज कर सके अगर कोई भी व्यक्ति या पेशेंट जो है एक फिंगर से पेन को लोकलाइज कर रहा है कि सर हमारे यहाँ पर दर्द है यहाँ पर दर्द हो रहा है यहाँ चुभन महसूस हो रही है तो डेट कैन नेवर बी ए कार्डियक पेन तो जो एंजाइनल पेनस होते हैं वो यूजली पूरे चेस्ट में फील होते हैं पूरे सीने में जो है फील होगा पेन और सबसे ज़्यादा जो है सीनों के सीने के बीच में बीच वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर एकदम तेज़ पेन फील होगा और जो कि घबराहट के साथ एसोसिएटेड होगा कि पेशेंट को एकदम घबराहट लगेगी बेचैनी लगेगी अच्छा प्रफ्यूज स्वेटिंग भी हो सकता है पेशेंट के लिए कि इतना पसीना आएगा कि पेशेंट की पूरी शर्ट जो है बनियान जो है पूरी जो है पसीने से भीग जाएंगे जब आप पेशेंट से इंक्वायर करोगे लेटर ऑन तब तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब कि बहुत तेज़ सीने में बीचों बीच में एकदम दर्द स्टार्ट हुआ और पूरे सीने में एकदम भारी पनसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने मेरे सीने के ऊपर वजन रख दिया हो और उसी समय मुझे बहुत तेज़ पसीना आया मेरी पूरी बनियान और मेरी पूरी कमी जो है पसीने से बिल्कुल भीग गई और जैसे ही आप थोड़ा भी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे चलना फिरना स्टार्ट करेंगे तो ये कार्डियक पेन और एंजाइनल पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच और जैसे ही आप रेस्ट लेंगे या रुकेंगे तो ये पेन्स यूजली सबसाइड करेंगे या फिर आपको जो है उसमें थोड़ा रिलीफ फील होगा ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो टिपिकल हार्ट के पेन का है कार्डियक पेन का है एंजाइनल पेन का है तो ये जो कार्डियक पेन होते हैं एंजाइनल पेन्स होते हैं ये यूजली जो है रिट्रो एस्टर्नल होते हैं चेस्ट के बीचों बीच में होंगे पूरे सीने में जो है भारीपन महसूस होगा साथ में बेचैनी महसूस होगी घबराहट महसूस होगी हैवीनेस इन द चेस्ट महसूस होगी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कोई सीने के ऊपर कोई वजन रख दिया हो एक किलो का दो किलो का और ये पेन जो पेन और हैवीनेस जो है ये रेडिएट करती है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑर्म इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज जो है जो बाया हाथ होता है उसकी भी जो है जो छोटी उंगली होती है उसकी तरफ जो है जो अल्लर साइड है हाथ की या छोटी उंगली की साइड हम कहते हैं उस तरफ को जो है ये रेडिएट करता है अगर हाथ में जाता है कुछ लोगों के लिए ये पेन जो है जबड़े में महसूस होता है कि यहाँ पर महसूस होगा कि एकदम भारीपन आया सीने में और यहाँ जबड़े में जो है एकदम बिल्कुल जकड़न सी महसूस होती है बट इट कैन नेवर रेडिएट टू ऑक्सीपिटल एरिया जो पीछे का एरिया होता है अगर यहाँ पर पेन रेडिएट हो रहा है तो चेस्ट पेन या कार्डियक पेन के चांसेस जो है ऐसे चेस्ट पेन के बहुत कम होते हैं तो इफ़ इट इज रेडिएटेड टू बैक साइड देन इट इट इज़ मोर कॉमनली रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पनडाइलोसिस सर्वाइकल स्पनडाइलोसिस का पेन भी काफी कुछ कार्डिक पेन से मैच करता है क्योंकि इट आल्सो रेडिएट्स टू आर्म इट आल्सो रेडिएट्स टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हेड एंड नेक में लेकिन हेड एंड नेक में ये बैक साइड में रेडिएट करेगा और आर्म्स में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं इट कैन ऑल्सो रेडिएट टू राइट साइड इट कैन ऑल्सो रेडिएट टू लेफ्ट साइड और इट यूजली इंक्रीजेज ऑन नेक मूवमेंट्स अच्छा ये जो सर्वाइकल स्पन्डाइलोसिस का पेन है ये हमेशा बना रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये चलने फिरने से या कोई भी वर्क करने से एक्टिविटी करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जबकि कार्डियक पेन जो है वो हमेशा यूजली जो एंजाइनल पेन होते हैं वो हमेशा परसिस्ट नहीं करते हैं वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जीना चढ़ रहे हैं चढ़ाई चढ़ रहे हैं या कोई भारी काम या बजनी काम कर रहे हैं तभी ये यूजली फील होते हैं तो अगर कोई पेशेंट यूजली हमारे हम लोगों के पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है चेस्ट पेन कर करके तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि आपको ये पेन आपको कब फील होता है कि मतलब अगर पेशेंट को जो है कोई भी एक्टिविटी करने पे जैसे जीना चढ़ रहा है पेशेंट जैसे अपस्ट्रेस जैस, या कोई ऊंची चढ़ाई पे जा रहा है पेशेंट या फिर कोई वजन जैसे घर में बाल्टी है या कोई बजनी बजनी सामान जो है लेके पेशेंट जब चल रहा है तो अगर उसको चेस्ट पेन फील हो रहा है और जैसे ही वो रुक जा रहा है उसको तुरंत आराम आ जा रहा है बिल्कुल रेस्ट मिल जा रहा है तो ऐसे पेन जो हैं यूजली इंडिकेट करते हैं कि दे आर यूजली कार्डियक पेन तो ऐसे पेशेंट्स की हैबिट होती है कि यूजली जब इनको पेन होने लगता है तो ये जिन एक्टिविटीज़ जो इनके पेन को ट्रगर करती हैं उनको यूजली अवॉइड करना लगते हैं कि अगर पेशेंट्स की हैबिट होती है कि टू इग्नोर द डिजीज़ तो अगर इनको सीना चढ़ने में घर में जो है जीना चढ़ने में जो है पेन हो फील हो रहा है या एक मंजिल या दो मंजिल जाने में ऑफिस में जो है पेन फील हो रहा है तो ये स्टेयर्स का यूज़ बंद कर देंगे ये लिफ्ट का यूज़ करने लगेंगे ऐसे पेशेंट्स या फिर जो है जो स्टेयर्स को क्लाइम करना बिल्कुल जीना बिल्कुल घर में भी चलना चढ़ना जो है उसको लिए बंद कर देंगे कोई भी वजन लेके चलना बंद कर देंगे मतलब जितने एक्टिविटी पे अपने को कंफर्ट फील करेंगे तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को उसके अकॉर्डिंग ये लोग रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और डॉक्टर्स को कंसल्ट यूजली नहीं करते हैं एंटेलैस जब तक बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज या एकदम अक्यूट हार्ट अटैक नहीं आ जाता है तब तक ज़्यादातर सब पेशेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेजॉरिटी में क्या रहता है कि डिजीज़ को इग्नोर करने की टेंडेंसी रहती है तो मेरी ये आप सब लोगों से सलाह है कि अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण आ रहे हैं चेस्ट पेन हो रहा है सीने के बीचों बीच में भारीपन आ रहा है हैवीनेस हो रही है हैवीनेस के साथ घबराहट हो रही है बेचैनी हो रही है पसीना आ रहा है ये हैवीनेस और चेस्ट पेन बाएं हाथ की तरफ़ रेडिएट हो रहा है या जबड़े की तरफ रेडिएट हो रहा है चलने फिरने में जीना चढ़ने में चढ़ाई चढ़ने में कोई भारी काम करने में दौड़ लगाने में अगर ये बढ़ जा रहा है तो तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से इसके लिए कंसल्ट करें और इसको इग्नोर ना करें अच्छा इन पेशेंट्स में मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये पेशेंट बहुत से पेशेंट जो अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अच्छा फिर जब ये जैसे कभी कोई जर्नी इन्होंने की तो रेलवेज के जो रेलवे स्टेशन्स पे पुल होते हैं वो बहुत अच्छा एक्टिविटी किसी पर्सन की एक्टिविटी के लिए असिस्ट करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम होते हैं अगर पेशेंट रेलवे का पुल आराम से चढ़ जा रहा है क्योंकि वो अप हिल होता है और स्लॉपिंग भी होती है उसमें तो अगर वो पुल आराम से चढ़ जा रहा है तो यूजली हम कहते हैं कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है तो जो भी कार्डियक डिजीज़ के पेशेंट्स होंगे वो यूजली क्या होता है कि छः सात जो है स्टेप्स क्लाइम करने के बाद एकदम दर्द होने लगेगा उनको सीने में भारीपन होने लगेगा और उनको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए फिर थोड़ी देर के लिए अब रुकेंगे वो थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे चेस्ट पेन में रिलीव होगा देन दे कैन वॉक और कंप्लीट अदर अदर स्टेप्स और दे कैन क्लाइम द अपे स्टेयर्स ऑफ रेलवे पुल्स तो यूजली पेशेंट्स से हमारा कि पेशेंट्स की क्वेश्चन से रहता है जब आते हैं कि सर वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन इस बार हमें जर्नी करना रहा जैसे ही हम रेलवे के पुल पुल पे हमने चढ़ना स्टार्ट किया तो हमें पूरा पुल जो है एक बार में चढ़ना मुश्किल हो गया हमारे सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हुआ और एकदम दर्द महसूस हुआ हमें और हमें बीच बीच में रुक के फिर दो तीन बार में उस पुल के लिए चढ़ना पड़ा तो ये टिपिकल सिम्टम है कार्डियक डिजीज़ के लिए अच्छा कुछ लोगों के लिए ए टिपिकल पेन्स भी होते हैं खासतौर से जैसे अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं इनमें साइलेंट एंजाइना होते हैं साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं साइलेंट का मीन्स ये है कि हम लोगों के हम लोग सब यही मानते हैं कि हार्ट अटैक है तो चेस्ट पेन होना ही होना है लेकिन ऐसा नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं ऐसे पेशेंट्स हैं इनमें जो न्यूरोनल सेंसेशंस होते हैं जो सेंसेशन न्यूरॉन्स जो हैं पेन के सेंसेशन को कैरी करते हैं तो बिकॉज ऑफ़ डिफरेंट न्यूरोपैथीज़ वो सेंसेशंस कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स में हार्ट पे लोड पड़ने के बाद भी ऐसे पेशेंट को चेस्ट पेन फील नहीं होता है बल्कि इनका प्रेजेंटेशन यूजली क्या रहता है कि जैसे ही चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी कि सांस फूलना है जल्दी थक जाना है या फिर एकदम घबराहट होना है बेचैनी होना है पसीना बहुत ज़्यादा आना है ये ऐसे पेशेंट्स में जो ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट को या ओल्ड एज मोर देन सेवेंटी इयर्स है और उसको चेस्ट पेन नहीं भी हो रहा है लेकिन अगर चलने फिरने में घबराहट हो रही है बेचैनी हो रही है और थोड़ा भी चलने फिरने पे जो है अगर सांस फूल जा रही है तो भी एक बार आपको जो है अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलके हार्ट डिजीज़ के लिए रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे डायबिटिक हैं हाइपरटेंसिव हैं मोटापा है ओबीएसटी है बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से डिफरेंट से ग्रसित हैं और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है एबडामनल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है फैमिली हिस्ट्री है घर में हार्ट डिजीज की फादर या मदर की साइड में या फादर या मदर को और इस तरीके की सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरी ये एडवाइज है कि आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल ज़रूर जो है हार्ट डिजीज़ के लिए जो रूटीन टेस्ट होते हैं रूटीन चेकअप्स होते हैं उनको कराएं और ये रूल आउट कराएं कि आपको हार्ट डिजीज़ तो नहीं है अच्छा कभी कभी जो कार्डियक पेन का प्रेजेंटेशन होता है एंजाइनल पेन का प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है कि कुछ पेशेंट्स को क्या है कि सिर्फ खाने के बाद ही जो है सीने में भारी पन या चेस्ट पेन फील होगा जिसको कोई हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट प्रांडियल एंजाइना कहते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर मेरे जो हार्ट के पेशेंट्स को सलाह रहती है कि खाने के कम से कम एक घंटे बाद तक जो है आप किसी एक्टिविटी में इंगेज ना रहें और आप रेस्ट करें जो जनरल हम लोगों की पब्लिक में वो थिंकिंग है कि खाने के बाद टहलना चाहिए लेकिन हार्ट पेशेंट्स के केसेस में ऐसा नहीं है हार्ट पेशेंट को खाने के बाद कम से कम एक घंटे के लिए रेस्ट करना चाहिए क्योंकि खाना खाने के बाद पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है मिजेंट्रिक बेसल्स की तरफ और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑलरेडी किसी के आर्टरीज में ब्लॉकेज है नैरोइंग है और ब्लड सप्लाई ऑलरेडी इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन की तरफ डाइजेस्ट करने के लिए फूड में डाइवर्ट हो गई और आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट को उतने ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेन फील होगा तो बहुत से पेशेंट्स को सिर्फ खाना खाने के बाद जब वो चलना फिरना स्टार्ट करते हैं तो वो पेन फील होता है तो मेरी ये एडवाइज़ है कि खाने खाने के बाद कम से कम एक घंटे हार्ट के पेशेंट जरूर रेस्ट करें या कहीं बहुत इमरजेंसी है कहीं जाना है तो सॉर्बिट्रेट की जो टैबलेट्स आती हैं डायलेटर्स उनको कहीं भी कोई भी एक्टिविटी रिज्यूम करने से पहले या कहीं जाने से पहले ही उस गोली के लिए चूस लें फिर आप कहीं जाएँ अच्छा एक होता है वॉकिंग थ्रू एंजाइना कि कुछ पेशेंट्स को जो है मॉर्निंग में जब वो अपने बिस्तर से उठते हैं और एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी जो है उनके लिए भारीपन आएगा चेस्ट पेन होगा सांस फूलने की शिकायत रहेगी लेकिन जहाँ वो 100-200 कदम चल लिए और एक्टिविटी को रिज्यूम कर लिए देन जो ये सिम्टम्स हैं ये अपने आप जो है डिसपियर हो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब मैं सुबह बिस्तर से उठ के टहलने के लिए जाता हूँ या लेट्रीन बाथरूम करने के लिए जाता हूँ तो उस समय मेरे सीने में जो है दर्द आता है और सीने में भारीपन महसूस होता है घबराहट महसूस होती है बेचैनी महसूस होती है लेकिन एक बार जब मैं आधा आधा या एक किलोमीटर चल लिया है थोड़ा बहुत घर में काम कर लिया उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ तो ये भी जो है हार्ट डिजीज़ का सिम्टम है ये भी एक तरीके का एंजाइना है कि जैसे ही आपने एक्टिविटीज़ रिज्यूम की तो हार्ट पे एकदम प्रेशर पड़ा आपकी बॉडी जो है उस प्रेशर को या जो हर्ट जो है उस प्रेशर को एकोमोडेट करने के लिए उस समय रेडी नहीं है और हार्ट पे लोड पड़ता है पेन फील होता है लेकिन एक बार जब आप चलने फिरने लगते हैं तो बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और फिर पेन फील नहीं होता है इसको वॉकिंग थ्रू एंजाइना कहते हैं तो जो टिपिकल चेस्ट पेन होता है उसके अतिरिक्त ये पोस्ट प्रांडियल एंजाइना जो खाने के बाद होता है और वॉकिंग थ्रू एंजाइना इनको भी हमें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर एक बार एवेल्युएट कराना चाहिए कि हमारे लिए कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है अच्छा ज़्यादातर पेशेंट्स में जो चेस्ट पेन के पेशेंट्स ओ पी डी या क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं कि जो जगह जगह दर्द बता रहे हैं अगर जगह जगह आपके लिए दर्द या चुभन महसूस हो रही है और आप उसको किसी उंगली या फिंगर से पॉइंट आउट कर सकते हैं एक एक एरिया लोकलाइज कर सकते हैं और उसका एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है कि वो दर्द हर समय बना हुआ है चाहे आप चल रहे हैं चाहे आप बैठे हुए हैं चौबीस घंटे बना हुआ है तो ऐसे पेंस बहुत रेयरली जो है हर डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं ऐसे पेंस मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नॉन कार्डियक होते हैं वो सर्वाइकल स्पनडाइलोसिस की वजह से भी हो सकते हैं न्यूरोमस्कुलर पेंस हो सकते हैं अगर बॉडी में कैल्शियम है विटामिन डी है इसकी कमी हो जाती तो उसमें भी इस तरीके के न्यूरोमस्कुलर पेंस होते हैं और उसके और भी बहुत सारे चेस्ट पेन के कॉजेज हो सकते हैं लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो उसके लिए भी चेस्ट पेन होगा अगर हर का इरप्शन हो रहा है किसी की बॉडी में हर पीस से हर जॉस्टर का तो उसमें भी चेस्ट पेन होता है सर्वाइकल स्पनडाइलोसिस में भी चेस्ट पेन होता है अगर आप कोई ओवर एक्टिविटी हैंड्स वगैरह में कर लेते हैं अगर इसे जिम गए या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग की तो नेक्स्ट टू टू थ्री डेज पेन्स होते रहते हैं तो दे आर मस्कुलर दे आर यूजली नॉट कार्डिक लेकिन मैंने मेजोरिटी पेशेंट को देखा है बिकॉज ऑफ फियर कि इस तरीके भी पेन्स हैं अगर कहीं जगह जगह चुभन महसूस हो रही है चलने फिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चौबीस घंटे वो चीज़ बनी हुई है तो ये कार्डियक पेन के चांसेज इसके साथ बहुत कम है और ऐसे में आप अपनी ऊर्जा को कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका और अपना स्वयं का समय जो है व्यर्थ ना करें अच्छा अगर चेस्ट पेन के साथ खांसी आ रही है बुखार आ रही है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना जाके चेस्ट फिजिशियन के पास आप जाइए एक चेस्ट एक्सरे कराइए अगर उसमें निमोनिया निकलता है कंसोलिडेशन चेस्ट एक्सरे में आता है तो वो कंफर्म करता है कि ये पेन जो है निमोनिया की वजह से है ना कि जो है हार्ट डिजीज़ की वजह से है तो हार्ट डिजीज़ के यूजली जो एंजाइनल पेंस के सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छा ये यूजली जो है एक्सरसाइज करने पर एक्टिविटी करने पर इंक्रीज करते हैं जो हार्ट पेंस होते हैं और रेस्ट करने पे या फिर सॉर्बिट्रेट की टैबलेट लेने पे जो नाइट्रेट्स हैं उनको लेने पे इनमें रिलीफ आता है तो मेरे हट के ज़्यादातर पेशेंट को मेरी सलाह रहती है कि आप सॉर्बिट्रेट की टैबलेट्स हमेशा अपनी जेब में रखें पॉकेट में रखें और जैसे ही आप चल फिर रहे हैं कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं पेन फील हो रहा है तो थोड़ी देर रुक जाए रेस्ट कर लें अगर उससे चेस्ट पेन रिलीफ नहीं होता है तो इट इज़ बेटर टू तो टेक सबलिंगुअल नाइट्रेट्स की जो सॉर्बिट्रेट की गोली है उसको जीप के नीचे रख के चूस लें उससे रिलीफ मिल जाएगा एक टैबलेट से रिलीफ़ नहीं मिलता है तो पाँच दस मिनट बाद दूसरी टैबलेट लीजिए दूसरी से नहीं मिलता है तीसरी टैबलेट लीजिए अगर तीन टैबलेट लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इट इज़ नॉट क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना ना ये अक्यूट स्टेज में आ गया है जो अक्यूट कोनरी सिंड्रोम्स की स्टेज होती हैं कि अगर पेन मोर देन ट्वेंटी मिनट्स परसिस्ट कर रहा है और रेस्ट करने से भी रिलीव नहीं कर रहा है नाइट्रेट्स या सॉब्रेट की टैबलेट रहने से भी रिलीव नहीं कर रहा है तो ये अक्यूट सेटिंग का पेन है ये अक्यूट हार्ट अटैक है तब आपको तुरंत जो है नीरेस्ट हॉस्पिटल में जाके कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से तुरंत मिलना चाहिए और जो रूटीन रिक्वायर्ड टेस्ट है उनके लिए जो है कराना चाहिए तो ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के विषय में बताया अब जो है अक्यूट हार्ट अटैक जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था अगर किसी के लिए अक्यूट हार्ट अटैक का पेन होता है अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चेस्ट पेन होता है तो वो भी यूजली बहुत सीवियर होता है रिट्रोस्टर्नल होता है सीने के बीचों बीच में होता है पूरे सीने में उसको दर्द महसूस होगा सबसे ज़्यादा बीच में सीने के महसूस होगा भारीपन महसूस होगा बहुत ज़्यादा पसीना आएगा घबराहट आएगा बेचैनी आएगा दर्द जो है हाथ में और जबड़े में जो है रेडिएट करेगा और ये पेन यूजली जो है रेस्ट करने से और सॉर्बिट्रेट लेने से सबसाइड नहीं करता है ये यूजली जो है सॉर्बिट्रेट और रेस्ट लेने के बाद भी प्रसिस्ट करता है और 20 मिनट की ड्यूरेशन से अगर ज़्यादा चेस्ट पेन परसिस्ट कर रहा है और सॉबिटेट और एक रेस्ट करने से रिलीव नहीं कर रहा है तो ये अक्यूट हार्ट अटैक का पेन है और आपको तुरंत जो है हृदय रोग चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए तो इस चर्चा के अंत में मेरा आपसे सबसे विनम्र निवेदन यही है कि अपने जो है अगर चेस्ट पेन अगर किसी के लिए होता है अगर आपको होता है या आपके किसी परिचित को होता है या आपके किसी कोलीग को होता है सोसाइटी में आप देखते हैं कहीं जा रहे हैं अगर कोई चेस्ट पेन बता रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये वास्तव में हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन है या फिर ये नॉन हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है और अगर हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन है तो उसके लिए तुरंत जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से तुरंत जो है उसके लिए भेजना चाहिए अरेंजमेंट करना चाहिए और अगर हॉस्पिटल थोड़ा दूर है या तो पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है तो तुरंत एटलीस्ट जो है मेडिकल स्टोर से अगर कोई आसपास में हो तो स्प्रिन की टैबलेट डिस्प्रिन की जिसके लिए हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में 300 हंड्रेड एम डिस्प्रिन और एक डॉगरेल की टैबलेट आती है 300 हंड्रेड की तो ये आप उसको जो है तुरंत जो है चबाने के लिए चबा के खाने के लिए आप उसके लिए दे सकते हैं और एक एटॉल वास्टाटिन की एट्टी एम की टैबलेट आती है स्टेटेंस की उसके लिए भी दे सकते हैं ये तीनों टैबलेट बहुत जो है लाभदायक होती हैं काफ़ी कम से कम 26 सिक्स टू थर्टी परसेंट केसेज में जो है ये मरीज को हॉस्पिटल पहुंचने का मौका दे देती हैं और उसकी जो आकस्मिक मृत्यु होती है वो नहीं हो पाती है और सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जो होती है फाइव एम की आती है पाँच मिलीग्राम की उसको जीप के नीचे रखने के लिए पेशेंट के लिए दे सकते हैं तो अगर इतनी सारी टैबलेट्स का या दवाओं का अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं नाम ना भी जान पाते हैं तो सिर्फ जो है डिस्प्रिन 300 सौ और सॉर्ब्रेट 5 एम की टैबलेट सॉर्बटट्रेट 5 एम की टैबलेट जो है जीप के नीचे रख के चूसने के लिए और डिस्प्रिन 300 सौ की टैबलेट उसको चबा के खाने के लिए निगलने के लिए आप दे दें तो आप 30% परसेंट केसेज में मतलब 100 में जो है 30% परसेंट केसेज में जो है आकस्मिक जो हृदय रोग से या हृदयघात से जो मौतें होती है अक्यूट हार्ट अटैक से उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं और मरीज को इतना समय मिल जाता है कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए और उसके बाद जो है उसका जो प्राइमरी जो या जो मैनेजमेंट है हार्ट डिजीज़ का या हार्ट अटैक का वो स्टार्ट हो सके इसी के साथ मैं अपनी परिचर्चा यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी परिचर्चाओं या मेरी टॉक से आप सब लोग लाभान्वित होंगे ये मेरी परचाएँ मेनली जो है जो जनरल पब्लिक और नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं मेनली उनको ध्यान में रखते हुए बनाई बनाई गई हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसी वर्ग से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो जो नॉन मेडिकल फील्ड से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो इनको सुनेंगे और अपने स्वयं की अपने परिवार की अपने समाज की अपने देश की जो है ये हृदय रोगों से होने वाली आकस्मिक मौतों को रोकने में एक सहायक की भूमिका अदा कर सकते हैं सहायक सिद्ध हो सकते हैं और जिससे कि हमारा योगदान रहे कि हम स्वयं स्वस्थ रहें हमारा परिवार स्वस्थ रहे हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, रहे और जिससे कि हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन जो है स्वस्थ होकर तरक्की के पथ पर अग्रसर रहे जय हिंद जय भारत धन्यवाद